नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 10 सर्वनाम। अब तक की कक्षा में आपने संज्ञा के बारे में सुना है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम में क्या करते हैं? इन्हीं के स्थान पर जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे सर्वनाम कहते हैं। हम इस गद्यांश को पढ़कर हम सर्वनाम को समझेंगे। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण के मामा कंस ने श्री कृष्ण के 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न छोड़ेंगे। जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो श्री कृष्ण के पिता श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ आए। आपने ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ा, आपने देखा कि संज्ञा शब्द यानी कि श्री कृष्ण को बार बार दोहराया गया है, जिससे क्या हो गई है, भाषा बहुत अजीब सी हो गई है। अगर हम बार बार श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण एक बार जब हमने नाम का प्रयोग कर लिया तो उसके बाद में हमें स्वर्णाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश को निम्नलिखित ढंग से, जो नीचे हमें पैराग्राफ दिया गया है उसके ढंग से अगर हम उसे पढ़ें तो वो ज्यादा अच्छा, सुंदर और व्यवस्थित लगेगा। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे। एक बार हमने श्री कृष्ण का नाम ले लिया, आगे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इनके मामा कंस ने इनके 8 भाई बहनों को मार दिया और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न छोड़ेंगे। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता इन्हें यशोदा के पास छोड़ आए। आपने देखा कि किस तरह से बार बार श्री कृष्ण की जगह पर क्या क्या स्वर्णाम शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे इनके, फिर से इनके और ये, इनके, इन्हें। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार नाम का प्रयोग ना करके हम अपनी बात को मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप आदि शब्दों से कह देते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करने पर भी वाक्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे मैं जा रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने क्या किया हो, किसी का नाम का प्रयोग किया हो। अगर हम मैं जा रही हूँ का प्रयोग कर रहे हैं तो भी वाक्य सही है। तो हमने क्या किया, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया। मैं, तुम गिर मत जाना। तो मैं चाहती तो यहाँ पे इनका नाम ले सकती थी इस बच्चे का, लेकिन नाम न लेकर के अगर मैंने तुम का प्रयोग भी किया है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, तो भी वाक्य सही है। वे शोर मचा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो मैंने उन सब का नाम ना लेते हुए क्या किया, वे बोल दिया है। वे क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो देखा हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। कुछ सर्वनाम शब्द इस तरीके से होते हैं, जैसे एकवचन में हम दे देते हैं मैं, यह, इसे। अगर हमें इसी का बहुवचन बनाना होता है एकवचन शब्दों का सर्वनाम में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं का हो जाएगा हम, यह का हो जाएगा ये, और इसे का हो जाएगा इन्हें। इसी तरह एकवचन तुम का हो जाएगा तुम सब, वह का हो जाएगा वे, और उसी का हो जाएगा उन्हें, बहुवचन शब्दों में। हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम शब्द भाषा को सुंदर और सरल रूप प्रदान करते हैं। जब हम वाक्य में बार बार किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर हम उस संज्ञा शब्द की जगह क्या करें, स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा ज्यादा सुंदर और सरल लगेगी, हमें देखने में भी अच्छी लगेगी। तो हमने क्या सीखा है इस अध्याय में, स्वरनाम शब्द क्या होते हैं। स्वरनाम शब्द जब हम संज्ञा के स्थान पर, जहाँ पे भी किसी नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर हम नाम शब्द का बार बार प्रयोग ना करके उसकी जगह पे किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं स्वरनाम शब्द। अभी हम छोटे हैं, थर्ड क्लास में ही पढ़ते हैं, इसीलिए हम सिर्फ संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के बारे में ही जान रहे हैं। आगे की कक्षा में हमें इसके भेदों के बारे में भी पता चलेगा। अब हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पार्ट को। बुक एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि सही स्वरनाम शब्दों से हमें क्या करना है, वाक्यों को पूरा करना है। हमें खाली स्थान दे दिया है,
उस खाली स्थान में हमें स्वरनाम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे क में है डैश पढ़ाई में होशियार है, तो हम क्या स्वरनाम लिखेंगे यहाँ पे, वह, वह पढ़ाई में होशियार है। ख में हमें लिखना है डैश बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो हम लिखेंगे हमें, हमें क्या हो जाएगा स्वरनाम शब्द, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। दो दे रखा है सही स्वरनाम शब्दों के आधार पर वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। क में तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, तो आप इस वाक्य को शुद्ध करके लिखोगे तुझे पिताजी बुला रहे हैं। ख दे रखा है इन्हीं को बात सुन लीजिए, तो आप क्या कर दोगे शुद्ध करके इनकी बात सुन लीजिए। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ हमें दे रखा है निम्न वाक्यों में स्वरनाम शब्दों पर आपको गोला लगाना है। क दे रखा है मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें स्वरनाम शब्द है मुझे, आप मुझे पर गोला लगा दोगे। ख है दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या हो जाएगा स्वरनाम शब्द हो जाएगा और कुछ पर आप गोला लगा दोगे। ग वे सब नाच रहे हैं, तो स्वरनाम शब्द होगा वे, वे पर आप गोला लगा दोगे वे सब नाच रहे हैं। सही विकल्प पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है। स्वरनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, कहाँ प्रयुक्त होते हैं संज्ञा के स्थान पर, तो आप टिक लगा दोगे संज्ञा के स्थान पर। सेकंड है यह शब्द है, यह शब्द क्या है स्वरनाम शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम कॉपी पार्ट की तरफ। कॉपी में आप करोगे सबसे पहला प्रश्न स्वरनाम की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है, तो जहां आपको प्रश्न में दे दिया जाता है कि आपको उदाहरण भी लिखना है तो आप उदाहरण भी लिखा करो। तो आप परिभाषा लिखोगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण एक ही बात है, आप लिखोगे यह वह तुम उसे इसे आदि। वापिस से दोहरान करवाती हूँ, स्वरनाम की परिभाषा लिखनी है आपको, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं, जैसे यह वह तुम उसे इसे आदि। प्रश्न दो है सही स्वरनाम शब्द से वाक्य पूरे करने हैं जो हम भी बुक एक्सरसाइज में किए हैं। क डैश पढ़ाई में होशियार है, तो आप यहाँ स्वरनाम शब्द लिख दोगे वह, वह पढ़ाई में होशियार है। ख डैश बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो आप स्वरनाम शब्द लिखोगे हमें, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न तीन सही स्वरनाम शब्दों के आधार पर वाक्य को क्या करना है शुद्ध करना है। क तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, तो आप लिखोगे तुझे पिताजी बुला रहे हैं। ख इन्हीं की बात सुन लीजिए, इन्हों की बात सुन लीजिए, तो आप इसको शुद्ध करके लिखोगे इनकी बात सुन लीजिए। प्रश्न चार है निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर आपको गोला लगाना है। क मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें सर्वनाम शब्द है मुझे, तो आप मुझे पे गोला लगा दोगे। ख दूध में कुछ गिर गया है, तो आप कुछ पर गोला लगा दोगे, कुछ सर्वनाम शब्द है। ग वे सब नाच रहे हैं, तो वे क्या हो जाएगा स्वरनाम शब्द हो जाएगा, इसीलिए आप इस पे गोला लगा देंगे। ये हो गया है बच्चों हमारा पार्ट 10 स्वरनाम। एक बार फिर से इसकी परिभाषा का दोहरान कराती हूँ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, किसी व्यक्ति स्थान का नाम ना लेकर के, बार बार उसका नाम ना लेकर अगर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। धन्यवाद।